हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि तिमन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक और नई भर्ती है टीचिंग एसोसिएट्स की, जो कि सीएम निपुण भारत एसोसिएट्स के नाम से जो है वो जानी जाएगी। योग्यता एज क्या रहने वाली है, सभी राज्यों से यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 40,000 रहेगी और यहाँ पर योग्यता ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी और चीज़ क्या चाहिए यहाँ पर, तो डिटेल में हम जानेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो है ये पहल है, यहाँ से वैकेंसी जो है आई है और पूरे भारत के स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो नाम है जिस योजना के तहत भर्ती हो रही है, CMNBA, चीफ मिनिस्टर निपुण भारत एसोसिएट्स, इसके तहत जो है टीचिंग एसोसिएट्स की भर्ती होनी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपने नाम सुना होगा FLAN, ठीक है। FLAN का अर्थ है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। इसके लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करना है, तो थोड़ा जो है मैं आप लोगों को हिंदी में जो है वो बता देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित भारत मिशन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, ठीक है। FLAN का जो अर्थ है हिंदी में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, इसमें सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तत्वावधान में शुरू किए गए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जो जरूरत है उसको पूरा करना। तो इसके तहत जो है वो भर्ती होनी है। 2021 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने देश भर के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLAN प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश राज्य ने 2021 में निपुण भारत मिशन को अपनाया और तब से सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अपने सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए। निपुण भारत मिशन के इस कार्यक्रम के तहत निपुण भारत मिशन के सफल कार्यान्वयन को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 150 सहयोगियों, यानी प्रति जिले में दो सहयोगी, इनका जो है एक गतिशील समूह रखा जाएगा और इस तरह यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का छात्र मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में कुशल हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। हर जिले में जो है ये दो एसोसिएट रखेंगे, जो कि इनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य जो है निपुण भारत योजना का, तो उसको पूरा किया जा सके। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहां पर जो है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल जो है उसको बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर जो है अप्लाई का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लोग इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक हो, मस्ट बी बिटवीन 22-27 ईयर, 22 से 27 साल तक की जो है वो उम्र होनी चाहिए, मस्ट बी प्रोफिशियंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, इन ये जो है दो भाषाएं इनमें आप लोगों को जो है वो पढ़ाना, बोलना, लिखना ये आना चाहिए। मस्ट बी एन ग्रेजुएट विद 2 ईयर ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, अ पोस्ट ग्रेजुएट विद 1 ईयर ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों से केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, बाकी अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो 2 साल का आपका जो है एजुकेशन में, कहीं पर भी आपने पढ़ाया है, चाहे प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल है, किसी में भी जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी पढ़ाया है, तो यहाँ 2 साल का जो है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस लगेगा ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ 1 साल का आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एजुकेशन में चाहिए। बाकी यहाँ पर लिखा है कि विद एटलीस्ट 60% फाइनल स्कोर फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटी कॉलेज NIRF, ये आपको ध्यान में रखना है कि NIRF की टॉप 100 यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो सबसे पहले मैं आपको NIRF की जो 100 यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे NIRF टॉप 100 यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों के सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इंडिया रैंकिंग 2023 यूनिवर्सिटी आप लोगों को नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने यहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छे जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट टीचर जो हैं इन लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है न्यू दिल्ली, और ये 2 नंबर पर है,
नेक्स्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी देखें 5 रैंक पर है, ठीक है। इसी तरीके से जो है राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ जो कि राजस्थान में है, ये टॉप 58 के अंदर आ रही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से पढ़ाई की है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें से टॉप 100 में अगर आपने पढ़ाई की है। यहाँ हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये टॉप 100 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, जहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है वो 27 अगस्त जो है वो इसकी रहने वाली है, और 27 अगस्त जो है वो आने में केवल 2 ही दिन बाकी हैं। यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है CMNBA, चीफ मिनिस्टर निपुण भारत एसोसिएट। उसके बाद जो अप्लाई पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप अच्छे से देख लें, उसके बाद अप्लाई नाउ पर जो है वो क्लिक करना है आप लोगों को। सबसे पहले जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके लॉग इन कर देंगे, और नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ऐसे जो है वो आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।